रबा मैं क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। अस्सलामुअलैकुम, आ गया मेरा बेटा। कैसा था आपका दिन? अच्छा। चलो। गुड बॉय। किधर मैं? आ गई आपको खुशबू। अभी नहीं। क्यों? बाबा का वेट करना है ना? हाँ? तो भी नहीं। नहीं, अभी नहीं। बाबा का वेट करेंगे। वापस आए। चलें पहले चेंज करें, फिर खाना खाएंगे। आ गए तुम? तैयार हो? चले। मैं तो नहीं हूँ क्या? रेश। अरे यार, मतलब तुम्हें कौन देखेगा? मेरा मतलब है मैं देखूंगा ना, मुझे तुम ठीक लग रही हो। चलो चले। अच्छा दो मिनट तो दो, मुझे क्या पता तुम टाइम पे आ जाओ। यार हिना, मैं पहले ही दो घंटे लेट। तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कर रही थी ना। देखो डिग्री तुम्हें मिलेगी और प्रोजेक्ट मुझसे करवा रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। जो डिग्री मिलेगी उससे जो नौकरी मिलेगी उससे फायदा किसको होगा? बड़े आए फायदा पहुंचाने वाले। अच्छा पिज्जा तो दे दीजिए। लो, एक तो थी देर से आए, ऊपर से लंच भी नहीं करके आए। भाभी ने अल्टीमेटम दे दिया, कह रही है यहाँ से खाना तुम ही बनाओगी। पागल है क्या? हिना यार पिज्जा तो देके जाओ। हिना ऐसे देते हैं पिज्जा? अब जल्दी करो प्लीज। उनेजा, जैदू, आई होप तुम लोग तैयार। हम बिल्कुल तैयार हैं। वाओ, थैंक यू। क्या बात है? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। दे ब्यूटीफुल। अच्छा चलें, जल्दी से खाना खा लेते हैं। तुमने बना लिया? मैं सोचा बाहर लंच कर लेंगे। और मैंने सोचा कि मैं घर पे बैठी हूँ तो बना लेती हूँ। हमेशा ये कर। आप चेंज कर लें, खाना खा लेते हैं। Paris, thank you for these once again. You're the best. अच्छा जल्दी से चेंज कर ले, खाना ठंडा हो जाएगा। आ जाओ जैदू। जैदू का आप लोग किए थे? तो फिर क्या प्रोग्राम है? कहाँ जाना है? शॉपिंग। ज्वेलरी या कपड़े? ग्रोसरी। तो तुमने मुझे इस वक्त चीनी आटा खरीदने के लिए बुलाया? आपने वैसे भी तो आना था, आपने कहा था ना। मैं तो तुम्हारे जैदू के साथ टाइम स्पेंड करने आ रहा था, इसलिए। कभी भी करेंगे ना,
और ग्रोसरी भी करेंगे साथ में। एकदम से पता है मुझे क्या याद आया? याद है जब हम लंदन में होते थे और साथ में ग्रोसरी करते थे? बिल्कुल याद है, और उसमें ही तुम्हें रोमांस लगता था। तो था ना रोमांस, मुझे अभी भी याद है। मैं आपके बगैर कोई काम नहीं कर सकती थी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप अब भी मेरे बगैर कोई काम नहीं कर पा रही। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपने कभी मुझ पर कोई काम डाला ही नहीं। अच्छा रेरे, वो बिजली का बिल आया है, बैंक में जमा करा दो। कौन मैं? खुद से नहीं, अपने हस्बैंड को कह देना, वो जमा करा देगा, नो प्रॉब्लम। हस्बैंड से तो मैं कोई भी काम कभी भी करा सकती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। तुम कभी नहीं बदलोगी? क्यों बदलूं? आप जो हैं। और अगर कभी मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं आपके साथ जाऊंगी, जैसे आप अभी जाएंगे हमारे साथ, पहले ग्रोसरी पे और फिर नाजिया के घर। नहीं उनेजा, ये बात हमारी नहीं हुई थी। उसका फोन आया था, बुला रही है, चले ना। तो तुम चली जाए करो ना, मुझे क्यों साथ लेके जाती हो? फारिस, ना पसंद करती है नाजिया आपको, वो बुला रही है, कुछ नहीं होता, चलते हैं ना। वो पसंद करती है लेकिन एहसान भाई मुझे पसंद नहीं करते। तो आप कौन से उनके साथ बैठ के बातें करते हैं? आप तो बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं ना। उनेजा, वो मुझसे बातें नहीं करते इसलिए मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। अच्छा फारिस, ज्यादा नखरे ना दिखाएं। आप चलेंगे, पहले ग्रोसरी करेंगे हम लोग और फिर नाजिया के यहाँ जाएंगे। ओके ओके गुड। अरे क्या बदतमीजी है, वैसे अच्छा क्या कि आपने उसको जगा दी थी। आजकल के लड़कों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए, बदतमीज कहेंगे। ठीक कह रही हो, झगड़े का कभी किसी से फायदा नहीं। ओह वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना ये। Actually, बहुत अच्छा है। तुम इस तरह के कलर्स नहीं पहनती ना? बहुत ब्राइट है। क्यों नहीं पहनती वैसे? I think तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लाल है फारिस। So? तो ऐसे कलर्स यंग लोग पहनते हैं, मैं नहीं पहनूंगी। क्या बातें करती हो, अगर मैं उधर तुम्हारे साथ आऊँ, खड़े खड़े तीन रिश्ते आ जाए तुम्हारे। थैंक यू, यू मेड माई डे। लेकिन अब चले, बहुत लंबी लिस्ट है। अरे क्या बात कर रही हो, क्या तुम्हें ड्रेस सिलवाना है? चलो। नहीं फारिस, नहीं मैं नहीं पहनूंगी, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। फारिस बहुत तंग करते, क्या कर, कसम से फारिस। ये कहाँ पहनूंगी, ऑफिस में? नहीं स्टूपिड, शादी के बाद। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें शादी के बाद ये सब कुछ पहनना है ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। अच्छा वैसे कितने गए? छोड़ो तुम्हें क्या है, कौन तो तुम दिला रहे हो। कितना लिखा है? इन्हें तो बहुत महंगे हैं यार। मैं आती जाती रहती हूँ, खुदा के वास्ते चुप। मेरी बात सुनो, तुम आज के बाद यहाँ नहीं आओगी। क्या लेने आई थी, क्या लेना शुरू हो गई? तुम औरतों का हर दफा ये सेल देख के दिमाग घूम जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं औरत नहीं लड़की हूँ, और दूसरी बात तो ये, तुमने जो बोलना है बोलो, मैं खरीद। ठीक है तुम खरीदो, मैं जा रहा हूँ। हरीश तुम हिलोगे नहीं? मैं हिलूंगा। हरीश चुप करके आगे बैठ जाओ, हिलना नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। ये लो। क्या पकड़ो, चलो। अब कहाँ जाना है? चुप करो यार, है ना, ना चलो यार, ना पेपर्स हैं यार, ट्रस्ट मी यार। आइंदा मेरे साथ ऐसी कोई जिद नहीं करेंगे। अच्छा देखे आप क्या टाइम हो रहा है, हमने अभी तक ग्रोसरी शुरू भी नहीं किया। अच्छी बात है ना, नाजी की तरफ कम से कम रुकना पड़ेगा। मुझे पता था, मुझे पता था कि सारा चक्कर इसलिए हो रहा है।
चले तुम चल करो, तुम्हारे पास तो सिर्फ काम है ना यार। मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मुझे पढ़ना है यार, है ना। चलो ना यार, तो चिड़चिड़ करते हो तुम। चिड़चिड़ करता हूँ मैं? हाँ। ये अपने बैग संभालो जो इतनी देर से लेके घूम रहा हूँ मैं। चलो अपनी शॉपिंग करने। मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद मैं आपके साथ शॉपिंग पे आऊंगी नहीं। नखरे देखो तुम्हारे, एक तो इतना खूबसूरत ड्रेस लेके दिया मैंने तुम्हें, लाल रंग का। तुम्हारी सोच है तुम उसमें कितनी खूबसूरत लगो। आपका कहने का क्या मतलब है? मैं इन कपड़ों में आपको खूबसूरत नहीं लग रही। और नैसा में तुम्हें ये तो नहीं कह रहा। तुम्हारे पैसे वैसे ही जाया हो चुके हैं। क्यों, तुम शादी वादी पहने नहीं दोगे? ये पहन लेना, शादी के बाद इस तरह की और शॉपिंग नहीं करने दूंगा, बल्कि तुम्हें शॉपिंग भी नहीं लेके आऊंगा। मत लेके जाना, मेरे लिए तुम्हारा वॉलेट ही काफी है। तुम्हें वॉलेट चाहिए? ये लो ना मेरा वॉलेट, इसको रखो, इससे शादी कर लेना। सॉरी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम पागल हो गई हो, तुम हमेशा ऐसी करती हो। चलो बाहर। क्यों कर रहे हो? अजीब वेयर लड़की थी ये। I swear। शुक्र करें आपकी बीवी ऐसी नहीं। तौबा, कमाल तो मेरा भी है। अगर वो तुम्हारा शौहर होता तो। कैसे कैसे लड़ रहे? चलें आप यहाँ से, चलें। फारिस बच्चों के साथ खेल रहा है क्या? हाँ। सॉरी यार, एहसान इतने बिजी रहते हैं कि स्टडी से निकलते ही नहीं है। मैं इतना कहती हूँ लेकिन। कोई बात नहीं, फारिस को भी बच्चों के साथ खेलने में मजा आता है। जरार को भी बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। जब उसे पता चला कि तुम लोग आ रहे हो बहुत खुश था। और एहसान भाई? हाँ वो भी। असल में फारिस खुद बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि हर नए दामाद के सर पे तुम्हारे मियाँ का हाथ रखवाया जाए। हाँ मुझे पता है, तुमने चची जान को भी कहा था। याद है? अल्लाह माफ करे, इतनी नाराज हुई थी। तुमको नहीं कहना चाहिए था, वैसे ही जल जल के कबाब होती रहती है। और फिर मेरे मियाँ को नजर लग गई तो? नहीं लगेगी, बेफिक्र रहो। तुम इतना पढ़ पढ़ के फूंकती हो उसके ऊपर। तुम भी एहसान भाई पे पढ़ पढ़ के फूंक दिया करो। वैसे एहसान भाई इतने बुरे भी नहीं है, पता है अगर बिजनेस संभल जाए ना तो तुम देखता हूँ उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। तुम फारिस और बच्चों को बुला लो, मैं खाना लगाती हूँ। शुक्र है भाभी आप हैं, आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्या होता से मतलब? खाना पकाना सीख लेते तो। स्पॉइल कर दिया तुमने इसे। कोई स्पॉइल नहीं किया, अगर हर बार एक्स्ट्रा बना के इसके लिए रख देती हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? हाँ बताएं। मतलब आप एक एक हफ्ता पुराना खाना इसके लिए रखती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ए, तुम तो कुछ नहीं बोलो, इतने सारे लोगों का खाना बनाती है, तुम एक वक्त का खाना नहीं बना सकती। भाभी आप बनाती रहा करें और मैं ये देखें खाता रहूंगा। हाँ जी, कब तक खाते रहेंगे आप? शादी के बाद तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। जिम्मेदारी हम उठा लेंगे, खाना मैं नहीं बनाऊंगी। प्लीज प्लीज नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना। ये वैसे डन है, परफेक्ट। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से बेहतर है बंदा मर जाए। वेरी फनी, मुझे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है। अच्छा तो किसी दिन हम लोगों को पका के खिलाओ। Prove it. तो मुझे चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ ताकि किसी दिन हम सब लकी हों, एक दिन का एक वक्त का खाना तुम्हारे हाथ का खा सकें। क्यों दंग कर रहे हो मुझे? खाना नहीं बनाना तो कौन सी बड़ी बात है, बाकी 10 काम तो अच्छे तरीके से करती है ना, है ना?
बुरी बात है ना, तुम फिक्र नहीं करो, खाना पकाना मैं तुम्हें सिखा दूंगी, इतनी बड़ी बात नहीं होती। और तुम लोग, तुम लोगों को मैं देख लूंगी, तंग करते रहते हो उसे। मैं नहीं हूं। वो बेचारी माइंड भी नहीं करती। मत बोले, वरना कहेगा मेरे पास माइंड नहीं है। सी क्या अंडरस्टैंडिंग है भाई। मानते हैं, मानते हैं। ओ हो, इतराना तो देखो जरा इसका, शादी से इनकार कर देगी ना तो फिर मजनू बने फिरोगे तुम। वो तो वैसे ही बने। आज क्या हुआ, एक झटके में, पता है आप लोगों को, एक झटके में 1,00,000 रुपए की शॉपिंग। मेरी एक झटके के अंदर। शादी के बाद भी यही हाल रहा ना तो मुझे वैसे ही जंगलों में मजनू बन के निकलना। जहेज के लिए लिया है? रोज तो नहीं लेती। बिल्कुल ठीक कह रही है, अब इसको सारी शॉपिंग खुद ही करनी है। आंटी बाहर से क्या क्या शॉपिंग करेंगे? दुबई में, दुबई में बड़ी अच्छी शॉपिंग होती है, याद है आपको भाई, हम लोग गए थे, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं। हाँ। अरे यहाँ पे तो उसको अपने सारे काम खुद ही करने हैं ना, पीछे पड़ जाते हो तुम लोग। चुप करो और खाना खाओ। बहुत अच्छा लगा, इसी तरह आते रहा करो फारिस। जी जी ऑफ कोर्स, आप लोग भी चक्कर लगाइए ना। एहसान, फारिस आपसे कुछ कह रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, दरअसल मेरी अपनी फैमिली इतनी बड़ी है कि अगर उनके लिए वक्त निकाल सकूं तो गनीमत। आपकी फैमिली में इतने लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं और शायद, थोड़ा सा वक्त तो निकाल सकते हैं आप। मेरी फैमिली पर कहीं नजर तो नहीं लगा रहे? देख लें, सबके सामने कह रहा हूं, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो गर्दन पकड़ लूंगा। एहसान भाई, अगर मेरे कहने से कुछ होने लगा तो सबसे पहले आपके ही वारे नारे होंगे। मैं आपको जेन्युइनली बहुत दुआएं देता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं दुबई बिजनेस के लिए आया था, आपने मेरी कितनी हेल्प की थी। कितनी खातरें की थी ना एहसान भाई ने हमारी। वैसे बहुत अच्छा टाइम गुजरा था हमारा दुबई में। हाँ, बहुत मजा आया था, याद है एहसान? याद कैसे नहीं होगा, उसी वक्त तो हमारा बिजनेस ठप हुआ था। खैर, तुम लोग हमारे यहाँ दुबई आए, तुम्हारी तकदीर अच्छी हुई, आई एम हैप्पी फॉर यू। ओ बाय द वे, नाज़िया याद है ना आज लुबना से मिलने जाना है? नहीं, मुझे याद है, उनसे मेरी बात भी हो गई थी। मैं कल चली जाऊंगी। कल तो वो बिजी होंगी, आज ही जाना चाहिए। एहसान, चली जाऊंगी। हाँ नाज़िया, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, हमें भी अब देर हो रही है, चलना चाहिए। हाँ हाँ, लेट्स गो। अरे अरे बैठो, कोई जल्दी नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी। तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अपनी बहन को देखो, जैसे ही इन्होंने कहा चलें तो इनके मियाँ साहब ने फौरन जवाब दिया, हाँ हाँ चलो। एक्चुअली वो गाड़ी में ग्रोसरीज रखी है ना, वो खराब हो जाएंगी। फारिस चले, मैं जैद को लेकर आती हूँ। अरे रुको जरा, उनेजा प्लीज जरा रुको। नाज़िया तुम चली जाओ ना। उनेजा। वैसे यार आपस की बात, ये नाम जो है ना उनेजा, माशाल्लाह भारी भरकम नाम है, काफी मुश्किल नाम है, इसे याद कैसे रखते हो? आप अपनी साली को कभी अहमियत देंगे तो नाम याद रहेगा ना आपका। आप मजाक कर रहे हैं फारिस। तुम्हारी गाड़ी में ग्रोसरीज हैं, दरअसल हमारी गाड़ी में वो डोनेशन के कपड़े पड़े थे, वही लुबना को पहुंचाने थे। वैसे तुम दोनों डोनेशन करते हो? जी एहसान भाई, करते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो सभी कर लेते हैं हमारे यहाँ, लेकिन माशाल्लाह क्या रवाज है, लुबना तो 5-10 लाख बस ऐसे ही दे देती है, बहुत बड़ा दिल है उसका। अच्छा, मैं भी लुबना बाजी से पूछूंगी कि वो कहाँ देती है। मर्जी तुम्हारी है, पूछना है तो पूछ लो। वैसे ये बात ऐसे मुंह से निकल गई, किसी को बताते नहीं है। नाज़िया प्लीज साथ को लेकर आओ। नाज़िया गई है ना। प्लीज तुम लेकर आओ, मुझे देर हो रही है।
ओह बाय द वे उनेजा उनेजा, जब तुम नाजिया को बाजी नहीं कहती तो लुबना को भी मत कहो, वो दोनों हम उम्र हैं। चलें फारिस, नाजिया हम चलते हैं, फिर मैं फोन पे बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? तो ख्याल रखना, चल चल। ओके हसन भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय प्लीज फारिस। तुम्हें पता है तुम नाराज होकर कितनी बुरी लगती हो? अगर मैं तुम्हें बता दूं ना, तुम कभी नाराज ही ना हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वरना ये खामोशी के मोमेंट्स मुझसे मिस हो जाएंगे। आज मुझे पता चला हमारे 6th फ्लोर के अपार्टमेंट में हॉर्न की आवाज़ भी आती है, पंखा भी घूम रहा है, है ना? हिना, 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 इतनी दूर से जहाज की भी आवाज आ रही है। यार वैसे मेरी बात सुनो, खामोशी में इंसान कितना कुछ सुन लेता है, मुझे पता ही नहीं था। ये क्या कर रही हो? इसको भी खामोशी से खा जाओ, खुदा। लेकिन हिना बात तो सुनो, हुआ क्या है? हिना बात तो सुनो, हुआ क्या है? भाई भाभी के सामने बातें सुनाना काफी नहीं थी, जो तुम यहाँ पे भी शुरू हो गए। लेकिन मैंने कौन सी बातें सुनाई हैं? मुझे खाना पकाना नहीं आता, कोई काम ढंग का नहीं कर सकती, फजूल खर्च हूँ और बोलती ज्यादा हूँ, फिर मुझे शादी करने का क्या फायदा, तोड़ देते मंगनी। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये शादी कोई फायदा दिक्कत थोड़ी की जाती है, ये तो निरा नुकसान का सौदा है ना, तो अब तुम चाहे जैसी भी हो, गुजारा कर लेना, कर लूंगा मैं, आ जाओ। मुझे नहीं करना गुजारा। यार है ना बात तो सुनो, रुको। ओ हो भाभी जी आई हैं, सलाम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं? देवर को दुआएं तो देती हैं। खुदा के लिए अपनी चीपनेस अपने पास रखो। उफ, एक तो आप इन हजर से छुप के मिलने आती हैं और हमारे आते ही चली भी जाती हैं, ऊपर से नाराज भी हमसे ही हो रही है, आखिर बात क्या है? एक मिनट, मैं तुमसे छुप के मिलने नहीं आती। 100% आती है। मैं नहीं आती। मैं जब कह रहा हूँ। आरिश, तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैं क्या बोलूँ यार, तुम बोल तो रही हो। चुप करो वरना मैं इनका सर फोड़ दूंगी। आउच, भाभी जी का मिजाज तो भाई बहुत गर्म लग रहा है। यार उसकी पहले से हटी हुई है, तुम लोग प्लीज साइड में। इस तरह चुप कराते हैं ये लोग, कब से मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, और तुम प्लीज प्लीज कर रहे हो। तो तुम क्या समझ रही हो, ये लड़ेगा हमसे? अरे इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे साथ चल सके। कहाँ चले? कहीं भी। कहीं भी मतलब? जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ, लेकिन इसमें तो इतना तपड़ ही नहीं है। अरे यार मेरी बात सुनो, तुम लोग भी पीछे पड़ जाते हो यार, है ना? तुम घर जाओ। तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकता, हमारे साथ कहीं चल नहीं सकता, सब बंदा चुना तुमने। 50-50 है ना, मेरे लिए लड़ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे साथ जा भी नहीं रहा, कोई जरूरत नहीं है जाने की। ओके। ये लोग इस लाइक की नहीं कि तुम इनकी बाइक पे भी बैठो। ओके। जैसे एग्जाम्स खत्म हो तुम अपने भाई के घर शिफ्ट हो जाना। ओके, अभी काम करो, अभी चलो, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। लेकिन आरिश, घर पहुंच के मुझे फोन कर देना। ओके बाय। क्या बंदा है यार ये, मुझे लगता है शादी के बाद उसको मिसेज आरिश बनाने के बजाय खुद अपना नाम मिसेज देना रख लेगा। क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है तुमने? I'm sorry. किस बात पे? बहुत ज्यादती करते हैं साल भर। अगर ज्यादती नहीं करेंगे तो भैनोई की कैटेगरी में कैसे आएंगे? आप ही तो भैनोई हैं। हाँ मैं भी भैनोई हूँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट किस्म का। अच्छा छोड़ो ना, क्या उन बातों को याद करके फिर से मूड ऑफ कर रही? थैंक
बहुत दुख होता है मुझे नाजिया के लिए। प्लीज दुख मत करो, प्रॉब्लम शी इज जस्ट। ये क्या बात हुई? हाँ सही बता रहा हूँ, अगर कोई ना कोई अच्छाई होगी उनमें जो उनके साथ खुश है। पता नहीं खुश है भी या नहीं, आज से नाजिया ने इतनी अजीब बातें की कि मैं परेशान ही हो गई। क्या? पता नहीं फारिस, मुझे कभी कभी लगता है कि नाजिया मुझसे जलती है। उन्हें ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मसला कुछ और है। क्या मसला है? एहसान भाई, तुम लोगों की फैमिली का सबसे बड़ा मसला है एहसान भाई। अभी तो आपने कहा था कि उनके बारे में बात करके मूड ना ऑफ करें, तो फिर क्यों कर रहे हैं? हाँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था उन्हें, वो मुझे जो मर्जी कह ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें क्यों कह रहे? मुझे क्या बोला? यार ये कोई तरीका है तुमसे बात करने का? वो तुम्हारा नाम क्या है नेजा? कितने साल हो गए हम दोनों की शादी को, अब तक उनको तुम्हारा नाम तक नहीं मालूम। छोड़े उन्हें, उनकी तो आदत है। तो अपनी आदत को बदले। और उनेजा तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे कहने की कि तुम उनकी बहन से फ्लाई अदारे का पूछो? क्योंकि उनको लग रहा था कि हम कोई चैरिटी खैरात नहीं करते। तो लगने दिया, लेकिन तुम आइंदा उसे बात नहीं करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। उनेजा, I mean it. अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर वो नाजिया को बातें सुनाएंगे ना? वो तो वो वैसे भी सुनाते, तुमने अभी खुद तो कह दिया आदत। अच्छा लुबना बाजी को खैरियत पूछने के लिए तो फोन कर सकती हूँ ना? नहीं होने से। अच्छा कर लेना, लेकिन ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। थैंक यू, यू आर द बेस्ट। कर दिया तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट, देख लो। देख लूंगा। अरे पहले देखो, इतनी मेहनत की है। मैं पहले ये पढ़ लूं फिर देख लूंगा। आई जाए भाड़ में, तुमसे इतना नहीं हो सकता कि तुम थैंक यू कह दो? सारी रात आंखें फोड़ के ऑफिस जाने से पहले पहुंचा रही हूं तुम्हें, और तुम्हारे इतने नखरे है ना। मेरी बात सुनो, तुमने कल मेरे रूममेट्स के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की है। अच्छा होगा एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ी सी इज्जत रख लो। मैंने बेइज्जती की है? तुम जैसा फट्टू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो मुझसे उल्टी सीधी बातें करते रहे और तुमसे इतना नहीं हो सका कि तुम कुछ कहते। वो तो शुक्र करो कि मैंने कोई नाराजगी शो नहीं की। जानता हूँ, वैसे तुम्हारी अपनी जबान पता है सबके लिए काफी है, सब पे भारी हो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुमने तो मुझे अपने भाई भाभी के सामने प्रोटेक्ट नहीं किया, वहां तुम्हें कुछ नहीं बोली, अब तुम्हारे रूममेट्स के सामने भी चुप रहती। तो तुम ये सब कुछ एक्सपेक्ट क्यों करती हो मुझसे? मत क्या करो। मैं तुमसे कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि तुम कभी भी मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशन पर उतरती नहीं। वैसे तो मैं तो तपे भी क्यों? तपूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मुझे मिसेस हिना बुलाना शुरू हो गए। इसमें हंसने की क्या बात है? ठीक है हंसती रहो। अरे वाह, तुम पे ये कलर कितना अच्छा लग रहा है। तुम तो सिर्फ वो दो चार कलर पहनती थी। प्लीज उनेजा हिम्मत किया करो कुछ अलग करने की। मैं जैसी हूं बस वैसी ही ठीक हूं। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को लगे कि मैं बेवकूफ हूं। अरे तुम्हें बेवकूफ समझने वाले खुद बेवकूफ होंगे। तुम तो इतनी समझदार स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा करो
और प्लीज मैं तुम्हें उन्हीं चार कलर्स में ना देखूं, एज ब्राउन व्हाइट से बाहर निकल आओ। ये देखो तुम पे कितना अच्छा लग रहा है, तुम मुझे ऐसी अच्छी लगती हो। क्या हुआ? कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। वो परसों आपके ऑफिस में शाम में पार्टी है ना? हाँ, तो उसके लिए नए कपड़े चाहिए तुम्हें? नहीं, कपड़े तो बहुत हैं मेरे पास। तो फिर वो लुबना बाजी है ना, उनसे मेरी बात हुई। होगी आपकी उनसे बात? क्या बोलती हैं, कितनी खराब देती हैं वो साल की? एक्चुअली वो परसों शाम को एक ऑर्गेनाइजेशन पे जा रही हैं, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया है और नाजिया भी जा रही है। परसों शाम तो आई हो, तुमने उन्हें मना कर दिया? फारिस मैं कैसे मना कर सकती थी, बुरा लगता है। मतलब तुम वहां जाओगी और मेरे साथ डिनर पे नहीं जाओगी? एक दफा की बात है। नहीं, एक दफा भी नहीं। चलो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा। फारिस ऐसा मत करें। उनको को प्रोग्राम किसी और दिन रख लेना। फारिस उन्होंने सारी अरेंजमेंट कर दी है ना, मैं कैसे उनको मना कर दूं? मैंने हाँ कर दी है, प्लीज मान जाए ना, प्लीज। उनेजा तुम वहां से फैसान भाई के डर से जा रही हो और मेरे साथ नहीं जा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे तो खुद नहीं अच्छा लगता कहीं पे भी आपके बगैर जाना। रहने दो ये बातें, तुम मेरे बगैर रह सकती हो? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, प्रॉमिस। सुने एक ही दफा की बात है, आइंदा मैं आपको कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कोई प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, मुझे जहां जाना होगा मैं अकेला जाऊंगा। फारिस ऐसे नाराज होता है क्या कोई? मैं कह रही हूं ना, एक ही दफा की बात है, प्लीज मान जाए। प्लीज प्लीज मान जाए। थैंक यू। बाथरूम फिर मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी, वापसी में मैं अकेले ड्राइव नहीं करना चाह रही, हालात भी इतने ख़राब हैं आजकल। तुम्हें काम करना, तुम मुझे पिक करने आ जाना। आ जाओगे ना? हेलो, पिक करने आ जाओगे ना? हाँ हाँ आ जाओ। बट वैसे अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बता दो, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स के बीच में डिस्टर्ब करूँ। जब एक दफ़ा बोल चुका हूँ कि आ जाऊँगा तो उस बात को रिपीट क्यों कर रही हो? मुझे चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? तुम्हारे लिए कह रही थी। मेरे लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद कह सकता हूँ। ओके, तो अभी तक नाराज है जनाब। एक काम करती हूँ, कल ऑफिस जाने के बजाय तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम पढ़ते रहना और मैं तुम्हें बीच में चाय कॉफी देती रहूंगी, फिर तो सबको यकीन हो जाएगा कि तुम बॉस हो मैं नहीं। अभी फिलहाल के लिए तो तुम्हें देर हो रही थी। अब क्या देर, अब तो मैंने फैसला कर लिया छुट्टी का है ना, मेरा दिमाग खराब मत करो। अच्छा रिलैक्स, नहीं करती, एग्जाम में तुम्हें इतना चिड़चिड़ा कर दिया। अच्छा बात सुनो, तुम घर पे रह के पढ़ोगे ना? मेरा मतलब है कि तुम कहीं आओ जाओगे तो नहीं ना? पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे एग्जाम खराब हो। ऑब्वियसली मेरे एग्जाम खराब होंगे तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। राइट, क्या मतलब? कहीं नहीं जाऊंगा, घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। सुनो मैं चलती हूँ, ठीक है? पिक करने आ जाना यार, और तुम्हारे बिल मैं पे करके जा रही हूँ, तुम मत करना ये। ओके बाय। नहीं नहीं लुबना, हम लोग टाइम पर आएंगे। नहीं एहसान नहीं आएंगे, मैं और नैजा ही आएंगे। जी जी मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगी। ओके अल्लाह हाफिज। उफ कितने भरम दिखाते हैं आप मुझे। अच्छा ठीक है, मैं मना कर देती हूँ, मैं आप ही के साथ जाती हूँ। अच्छा रियली, कर दो ना मना।
आप जानते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं कमिट कर चुकी हूँ। तुमने मेरे साथ भी कमिट किया था। फारिस, एक दफा की बात है, और वैसे भी गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। उनेजा, तुम वहां पैसे देने जा रही हो, लेने नहीं, कि वो तुम्हें दोबारा इनवाइट ना करें। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, तुमने सोच लिया तो फिर तुम जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ी? आपके पीछे नहीं पड़ूंगी तो किसके पीछे पड़ूंगी? और अगर आप मुझे खुश होकर इजाजत नहीं देंगे ना, तो मेरा दिल नहीं लगेगा वहां पे। तो यानी मेरा खुश होना ही बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इस बार इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा नहीं दूंगा। ओके डन, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी फैसला आपसे पूछे बगैर नहीं दूंगी। डील। डील। थैंक यू, आई लव यू। हमारे बेटे को आप कहाँ छोड़ी? वो सादिया के घर, और उसने कहा कि कल शाम से पहले ना पिक करना, उसका भी दिल लगा रहता है ना जैदू के साथ। तो इसका मतलब है कि शाम में हम कहीं भी जा सकते हैं। देखा, छोटी सी कुर्बानी के कितने बड़े बड़े फायदे। रात को तैयार है ना, हम किसी अच्छी सी जगह पर जाएंगे। डन, थैंक यू। अबे यार दिखा ना, अबे दिखा तो सही कैसा है। ओ मैन, इट्स परफेक्ट यार। हो मिसेस आरिश हिना, अकेले अकेले खाना खा रहे हैं, आपके वो नहीं आए? यार देख प्लीज, तू गलत बात मत कर, मेरा दोस्त बड़ी हिम्मत वाला है, एक लड़की को बॉस बनाए बैठा है। उसको पता है बॉस मैं हूं। तू और बॉस, अपनी मर्जी के बगैर कोई काम भी किया तूने? रोज करता हूं। तेरा कसूर नहीं है, चल रहने दे। तुझे यकीन नहीं आ रहा? नाराज ना हो यार, इंसान को यही लगता है कि वो अपनी जिंदगी खुद चला रहा है, लेकिन असल में तो उसे पता ही नहीं होता कि उसकी बीवी उसको चला रही होती है, और सारी जिंदगी आंखें बंद करके गोल गोल उसके गिर्द घूमता रहता है। ये तो अभी से ही उसके गिर्द घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या करेगा उसके लिए। बोलिए जो बोलना था। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कमरे में बंद होकर पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो बीवी के कपड़े और जेवर कैसे खरीदोगे? यार इंसान की समझ नहीं आती, पैदा होते ही नहीं पढ़ाई डिग्री नौकरी, और आखिर में फायदा किसको होता है? बीवी को। एग्जैक्टली, और उसे क्या मिलता है? सारी जिंदगी की खुआनी, हम तो अभी से एंजॉय कर रहे हैं भाई, आखिर में क्या बनना है? गंजा शॉट। मैं तो कहता हूँ तू भी एंजॉय कर ले, उन्हें सारी जिंदगी पछताएगा कि कुछ ना किया। तुम जैसा पट्टू इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मिसेस आरिश। यार जल्दी चलो नीचे, शाहजेब वेट कर रहा है। मेरी बात सुनो, जागा रहे हो? बताओ तो सही। यार एक तो ये सवाल बहुत करता है यार, इसको अपने साथ बिठाना। मैं नहीं बिठा रहा इसे अपने साथ, तू बिठा इसे अपने साथ। इसको अपने साथ बिठाना, मैंने साथ लेकर जाने की जिद ना किया कर। मेरी बात सुनो,
तुम लोग बाइक राइड पे जा रहे हो ना? हाँ यार, तुझे तो मालूम है कि बस तेज बाइक चला कर ही हम खुश हो जाते हैं। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम लोग जाओ मैं जा रहा हूँ। क्या लड़कियों जैसी बातें कर रहा है यार? इसका मतलब है डैनी ठीक कह रहा था, तेरा नाम वाकई मिसेस हिना होना चाहिए। अट्टू है साला, इसे कुछ नहीं होगा, हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊँगा? हेलो, फ्री हो गए आप? हाँ ऑलमोस्ट हो गया हूँ, लेकिन तुम नहीं हुई ना? आई एम सॉरी। अब क्या करूँगा खाली घर जाके? अगर तुम वहाँ आ गई होती ना तो हम किसी अच्छी सी जगह बैठ के कॉफी पी लेते। अभी थोड़ी देर में मैं फ्री हो जाऊंगी तो जा रहे हैं ना हम लोग डेट पे। तो अभी बताओ अभी क्या करूँ? आप एक काम करें, आप अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने चले जाए ना, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगी। हाँ मुश्ताक कह रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं जैद के पास चला जाऊं। फारिस क्यों मना किया आपने? जैद बिल्कुल ठीक है, मेरी अभी अभी सादिया से बात हुई है। आप जाए ना, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं गिल्टी फील करती रहूंगी। अरे उनेजा तुमने क्यों गिल्टी फील करना, तुम कौन सा अपनी फ्रेंड्स के साथ लेडीज पार्टी में हो? चलो तुम जाओ, फ्री होके मैसेज कर देना। ओके ओके ठीक है, बाय बाय। हाँ भाई रिलैक्स हो या अभी तक नर्वस ही चल रहे? नहीं मैं रिलैक्स हूँ, नर्वस हो गया था मैंने, मतलब पता नहीं कहाँ जा रहे तुम लोग। सिट्टी घूम थी इसकी, चल तुझे कॉफी पिला दो। अबे इसको कॉफी नहीं, इसको एनर्जी ड्रिंक पिला, कॉफी से इसका कुछ नहीं बनेगा। नहीं यार मैं रात से सो रहा हूँ, मुझे चाय पीनी है। अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, फिर तो सारी रात जागता ही रहेगा। अभी कुछ होना बाकी है, ये रात तेरी जिंदगी की यादगार रात होगी। ये तो इंटरवल था, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है मेरे भाई। क्लाइमैक्स मतलब? मतलब ये गले। अरे यार बे आहिस्ता बोल, मैं चाह रहा हूँ। बैठ 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 यार, क्या हो गया यार, क्यों शोर मचा रहा है? चुपचाप बैठ, मैं घर जा रहा हूँ। अभी क्या मुन्नी बेबी घर जा रहा हूँ, यहाँ से तेरा बाप तुझे लेके जाएगा घर। यार क्या हो गया यार, क्यों शोर मचा रहा है? कॉफी मंगवाई है ना, तुझे क्या जरूरत थी गंद दिखाने की? अबे मजाक कर रहा था मैं, सीरियस हो गया ये। सीरियस हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? हाँ क्या जरूरत है गंद रखने की? अबे हर कोई रखता है, अपनी सेफ्टी के लिए रखी है, लाइसेंस दिखाऊंगा। कॉफी मंगवाई है मैंने, कॉफी पी के फिर घर चलता। यार मेरी बात, कॉफी मंगवा कॉफी। अबे तीन कॉफी लेके आ, और हाँ एक चाय ले आना। कितना अच्छा मौसम है, एंजॉय कर, रिलैक्स हो जा। क्या हो गया यार? मुझे लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे पता है, हम मॉल में मिले थे, एक्चुअली हमारी टक्कर हुई थी। सही कहा आपने, वैसे हमारी दूर पार की एक और पहचान हो सकती है। वो क्या? मैम लुबना मेरी मदर की क्लास फेलो थी। अच्छा मुझे नहीं पता था। क्या व्हाट? अब यही कि आप मेरी मदर की क्लास फेलो थी। शी इज रॉन्ग, तुम्हारी अम्मी तो मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर थी और मेरी तो उनसे ज्यादा बातचीत भी नहीं थी। अलबत्ता इनको डोनेशन की जब भी जरूरत पड़ती है तो ये मेरे पास ही आते हैं। आप कुछ लेना? नहीं एक्चुअली मुझे बहुत देर हो रही है, चलती हूँ। चलें लुबना। या लेट्स गो।
शीशा खोल, शीशा खोल, निकाल निकाल जो कुछ भी है, मोबाइल और बॉलर निकाल। भाई मेरे पास कुछ खास नहीं है, ये ले लो। ज्यादा होशियारी मत कर, दो हाथ लगाऊंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। जल्दी कर, बाहर निकल, बाहर निकल, जल्दी कर, जल्दी कर। क्यों परेशान? अबे बकवास बंद कर। यार मेरे पास कुछ नहीं है, आपको कह रहा हूँ ये। मैंने कहा बकवास बंद कर, चल दूसरा निकाल। ये इसका क्या करेंगे, समझ नहीं आया तुम्हें? मोबाइल निकाल। सुना नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये ले लो, मेरे पास नहीं है, आप क्यों परेशान? इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है, बेवकूफ समझता हमें? हाँ जल्दी कर, दूसरा निकाल। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है मेरे पास। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे क्या कर रहा है यार तू? गोली लग जाएगी। अबे यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। गोली लग जाएगी। चुप कर। गोली। अबे कुछ नहीं होगा यार। नहीं लगेगी यार गोली। छोड़ मैं कह रहा हूँ, पीछे हट। बोल रहा पीछे हट। लड़ने लगा जी। क्या क्यों तूने? मैंने क्या किया? तूने किया ये? तूने तो किया? अबे अब भागो यहाँ से। हम ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अबे ये मर रहा है, इसको मरने दे। सही कह रहा है ये, इसको बचाएंगे तो खुद मर जाएंगे। एक मिनट, इसको यहाँ यूँ नहीं छोड़ सकते। इसको उठाओ, झाड़ियों में फेंक, जल्दी कर। झाड़ियों में कैसे फेंक दोगे? अबे उठाओ इसे, जल्दी कर। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा। अबे चल जल्दी कर, निकल यहां से। जिस दिन ने जानी यहां से। पागल मत बन, छोड़ उसे, जल्दी कर, निकल यहां से। आगे ना सुन रहा। अबे छोड़ उसे, तू समझ नहीं ना, पुलिस आ जाएगी, निकल यहां से। मैं चलता हूं। अरे उसे बचाने के लिए खुद मरेगा क्या? रब्बा मैं क्या करूं, रब्बा मैं क्या क्यों चुनूं, इल्तिजा है मेरी। रब्बा किथे जावां मैं, ओ रब्बा किथे जावां मैं। रब्बा मैं क्या करूं, इल्तिजा है।